बट जितना भी मैंने ये कलेक्शन दिखाया ये सब एकदम फ्री है, एकदम मुफ्त में मिला है मुझे कनाडा में। ज्यादा चल लेकिन एक बार सेट हो जाती है ना तो अच्छे से पूरा बॉडी में एडजस्ट हो जाती है, पूरी शेप ले लेती है। इनमें से मुझे अभी ना अरेंज करके रखनी थी कौन सी वाली ठीक है, कौन सा कलर मैं पहन सकती हूँ कौन सा नहीं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कल गणगौर है तो मैं कौन सी वाली पहनूं। कभी बहुत प्यारा आता है, एकदम ऐसा रॉयल लुक आता है, पल्ला एकदम लहराओ इसमें ना एकदम ऐसा रानी वाला लुक आता है, गोल्डन गोल्डन कलर की ज्वेलरी पहन के, और ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है। और अगर मैं ये होता तो जरूर से पक्का अपने कोलकाता में सरस्वती पूजा में यूज करती। ग्रीन 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 हरियाली बीज हो, हरतालिका बीज हो, हरी हरी साड़ियाँ। और इसका ब्लाउज भी काफी अच्छा है, मेरी माता श्री बहुत अच्छी वाली सिलाई करती है, तो जनरली ऐसे होते हैं कि मैं ब्लाउज वगैरह अपनी मम्मा से सिलवा लेती हूँ। दुर्गा पूजा के टाइम तो पूरी जितनी भी साड़ियों का कलेक्शन है ना सबका निकल आता है सुबह और शाम पूरा। YouTube फैमिली वेलकम बैक टू माई चैनल, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? हम लोग एकदम मजे में हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि नवरात्रि चल रही है तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है डे टू, नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज हम लोग का मतलब वैसे तो मैंने सोचा था नौ दिन पूरा व्रत रखूंगी बट नौ दिन नहीं हो पाया है तो शुरू का और आखिरी का फास्ट रखा है, इसीलिए आज फास्ट नहीं है। मैंने पूरा घर का सारा काम कर लिया। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आप लोग को बताने वाली हूँ, टाइटल देख के वैसे तो आप समझ गए होंगे। तो बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स आएंगे अभी रिसेंटली, मतलब चलेंगे लगभग अभी, जैसे कल गणगौर आने वाली है तो अगर मतलब आप लोग जब ये वीडियो देखेंगे तब तक गणगौर होगी, तो आप लोग को गणगौर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा भी पूजा रहती है, मतलब फास्ट नहीं रहता है गणगौर का, तो गुना वगैरह बनते हैं, गणगौर में मनसा पूजी होती है, गौर बनती है, तो मुझे थोड़ा इंडियन कलेक्शन, इंडियन साड़ीज इन सब का बहुत ज़्यादा शौक भी है, चाहे वो सूट हो गया या इंडो वेस्टर्न कुछ हो गया या फिर साड़ी हो गई, तो ये सब का मुझे बहुत शौक है। तो मैं वही सब अरेंज कर रही थी, बहुत सारा कलेक्शन इधर उधर, मतलब ब्लाउज वगैरह सब सेपरेट कुछ मैं लेकर आई थी, वो सारा कलेक्शन तो मैं सेट करते करते मेरे दिमाग में आया, मैं कहा आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। तो सारा कुछ अरेंज करके रखना पहले से पहले जरूरी होता है क्योंकि अभी गणगौर के बाद में नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि में अष्टमी पूजन होगा तब पहना जाएगा, फिर गणगौर है कल तब पहना जाएगा, पूजन होगा, फिर उसके साथ साथ धीरे धीरे करके जून जुलाई में वट सावित्री का फास्ट आएगा, तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी, इसीलिए मैं अपना जो इंडियन वेयर है वो सारा कलेक्शन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और इंजॉय कीजिए आज की वीडियो। ये देखो ये है सारा मेरा साड़ी का कलेक्शन, यहाँ से लेकर वहां तक पूरे बेड पे मैंने फैला दिया है। इनमें से मुझे अभी ना अरेंज करके रखनी थी कौन सी वाली ठीक है, कौन सा कलर मैं पहन सकती हूँ कौन सा नहीं, तो मैं आपको एक एक करके सारी बताती हूँ। बहुत सारी तो आप लोगों ने देखी भी होंगी, मेरे भाई की शादी वादी में पहनी थी बहुत सी, लेकिन इनमें से ऐसी हैं जो कोरी हैं, कुछ जो है नई है, कुछ मेरी शादी की है। तो अभी मैं आपको को दिखाने वाली हूँ सारी की सारी साड़ियाँ जितनी भी है, मैंने कहा आज मैं पूरा क्लीन कर देती हूँ अपना कबर्ड और उसमें से सारा कलेक्शन अलग से निकालना है, मुझे सेट भी करना था, सारा वेस्टर्न अलग रखा हुआ है, हालांकि मेरे पास उतना यहाँ पर नहीं है कलेक्शन, बट जितना भी मैंने ये कलेक्शन दिखाया ये सब एकदम फ्री है, एकदम मुफ्त में मिला है मुझे कनाडा में। और सबसे ज़्यादा खुशी है कि कुछ से मेरे ना ऐसे इमोशंस जुड़े हुए हैं, मतलब इतनी प्यारी प्यारी यादें हैं कुछ कुछ साड़ियों से, कुछ कुछ कपड़ों से जो हमेशा याद रहती हैं। मैं आप लोगों को उनमें से एक दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगी आपको मेरी शादी वाली, ये देखो ये है बनारसी साड़ी, और ये वाला कलेक्शन ना मेरे को हमेशा से बहुत पसंद है क्योंकि मुझे भारी भारी सिल्क की एकदम रॉयल लुक देने वाली साड़ियाँ बहुत पसंद है, तो मुझे ये वाली जो चढ़ी थी ये मैं एक लेकर आई हूँ, बाकी सब मेरी इंडिया रखी हुई है भारी भारी साड़ियाँ, और इस बार भी मैं लाने का मन नहीं था लेकिन मेरे भाई की शादी में मैंने ये जो निक्रोसी होती है उस टाइम पे पहनी थी, तो इसीलिए मैंने कहा ये वाली मैं लेके चली जाती हूँ। कभी ऐसा पूजा का फंक्शन पड़ेगा और ये सच में बहुत ज़्यादा हैवी है, इसके लिए मुझे हैंगर्स भी चेंज करने हैं, वो वुडन वाले हैंगर्स लेकर आने हैं, इस पर ये हैंगर पूरा नीचे लटक जाता है लेकिन फिर भी मैंने इसे हैंग किया हुआ है, और ये बहुत हैवी साड़ी है, ये मेरी सबसे पहली साड़ी है, मेरे इन-लॉज की तरफ से मिली थी, और ये साड़ी मुझे हमेशा प्यारी लगती है। इसमें और सारे कलेक्शन भी है, जैसे और कलर की भी साड़ियां हैं, कुछ लाइट वेट है कुछ एकदम भारी है, बट ये वाली साड़ी तो बहुत भारी है सच में, इसमें बहुत ज्यादा चल लेकिन एक बार सेट हो जाती है ना तो अच्छे से पूरा बॉडी में एडजस्ट हो जाती है, पूरी शेप ले लेती है और कहीं से भी इसकी प्लेट्स नहीं जाती इधर से उधर, और बहुत प्यारा लगता है इसका लुक। और मैं आपको वही वाला लुक इसका फोटो में दिखाऊंगी, देखो कैसी लगती है, वो आप जरूर से देख चेक कीजिएगा, ठीक है। ये हो गई मेरी पहली साड़ी जो कि मेरे को शादी में मिली थी। मैं उसके बाद दिखाती हूँ, आप लोग सोचोगे कनाडा में
कनाडा में इतनी सारी साड़ियां लेकर आके क्या पॉइंट है, बट मेरे को कलेक्शन पसंद है साड़ियों का, उतना नहीं है मेरे पास, बट ये है कि कभी कभार फेस्टिवल होते हैं, दिवाली, होली और बड़े बड़े फेस्टिवल जैसे तीज हम लोगों में पूजी जाती है, हरतालिका तीज, और करवा चौथ होती है, गणगौर होती है, बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल आएंगे जो सुहागिनों वाले रहते हैं, जिसमें श्रृंगार करना जरूरी होता है, महावर, आलता, सोलह श्रृंगार, ये सब, तो उनके लिए मैं ये साड़ियां लेकर आई हूँ। और स्पेशली जब पहली बार हम लोग आए थे ना, तो उसमें मैंने 7 साड़ियां एक साथ ही लेकर आई थी, कुछ तो मैंने चेंज कर दिया है, जो इस बार सेकेंड ट्रिप हम लोगों ने लगाया इंडिया उसी में मैं छोड़कर आ गई थी, मैंने दूसरी साड़ियाँ उठा के नई नई लेकर आ गई हूँ। तो दूसरी मैं आपको साड़ी दिखाती हूँ, और मेरे पास ज़्यादातर कलेक्शन यहाँ तो मेरे पास जो भी है वो पिंक कलर है, चाहे वो सूट ले लो चाहे वो साड़ियाँ ले लो, पता नहीं कैसा एकदम हो गया था, सब पिंक 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 पसंद आ रहा था मुझे। और ये सारी साड़ियाँ मैंने इनमें से एक भी खरीदी नहीं है, ये सारी मुझे मेरे प्यारे प्यारे जितने प्यार करने वाले सारे रिश्तेदार हैं मेरी, चाहे वो मौसी हो, चाहे वो मेरी भाभी हो, चाहे वो मेरी जिठानी हो, चाहे वो बड़े बड़े मेरे ससुर मेरे मतलब इन लॉ साइड से हो, चाहे मेरे मायके साइड से, ये सारी साड़ियाँ मुझे वहीं से मिली हैं। ये गई मेरी छोटी सी क्यूटी क्यूटी सदी सदी, राधे राधे कर दो सबको, जय जय जाओ, अच्छा जाओ गाड़ी में जाओ। अब इसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको अपनी जो साड़ी है, अब इनमें से आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कल गणगौर है तो मैं कौन सी वाली पहनूँ, ठीक है। वैसे तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि नई कोरी साड़ी पहन लेती हूँ, बट लेट्स सी कौन सी पहनती हूँ। इसके बाद ये ग्रीन कलर की ये वाली साड़ी देखिए, ये वाली एक ये साड़ी है मेरे पास, ये वाला बहुत हल्की है, मतलब आप इसको बोल सकते हैं कि सिल्क में भी बोल सकते हो, और लाइट मतलब बहुत हल्का कपड़ा है, उतनी जैसे बनारसी लुक है, लुक इसका भी बहुत प्यारा आता है, एकदम ऐसा रॉयल लुक आता है, पल्ला एकदम लहराओ, और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये मैंने हरतालिका तीज जब मेरी हुई थी तो नई साड़ी ली थी, और नई साड़ी पहन के, कोरी साड़ी पहनने के बाद में पूजन होता है, तो शादी के बाद पहली मेरी तीज थी, तो उसमें मैंने ये वाली साड़ी ली थी, तो ये मुझे बहुत प्यारी है, इससे भी मेरे बहुत सारे प्यारे प्यारी यादें जुड़ी हुई हैं। उसके बाद आता है ये ब्यूटीफुल सा कलर, ये देखो साड़ी मेरे पास ना उसी तरीके की साड़ी मिलेंगी, जो एकदम कड़ी कड़ी रहती है ना, एक बार प्लीट्स बना दो, एक बार सेट कर दो, तो फिर उसके बाद वो इधर से उधर नहीं होती है, और मुझे अच्छी भी वही लगती है। कुछ एकदम ऐसी आती है बिल्कुल हल्की जॉर्जेट वाली, जिसमें बिल्कुल ऐसे लहर लहर मारता है पल्ला, वो वाला, बट ये वाली साड़ी भी मुझे ये भी मुझे मतलब मेरे ससुराल साइड से ही मिली थी, और ये मुझे बहुत प्यारा कलर लगता है, और ये इसमें ना एकदम ऐसा रानी वाला लुक आता है, गोल्डन गोल्डन कलर की ज्वेलरी पहन के, और ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है। तो ये वाली साड़ी हल्की है, कुछ ऐसी साड़ी है ना जो एकदम ज्यादा हल्की थी, मतलब जो लुक में अच्छी है और है हल्की, वो मैं लेकर आ गई थी इंडिया से, तो ये वाली मुझे सब सेट करनी है, अरेंज करके सब एक तरफ लगा रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर कर दिया जाए, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ आपके लिए। उसके बाद एक आती है साड़ी पिंक, ये भी मैंने भाई की शादी में पहनी थी, और ये देखो ये है पिंक, और मैं पूरा खोल खोल के नहीं दिखा रही हूँ, अंदर से नॉर्मल ऐसे ही है, पल्ला भी इसका, पल्ला कैसा है, पल्ला इसका सब में पल्ले नॉर्मल जैसे पल्ला आता है ना, ये पल्ला देखिए, ये वाला पल्ला है, इसका पल्ला भी हैवी है, और ये साड़ी भी मुझे बहुत पसंद है, ये मेरी मौसी ने मुझे दी थी, और जो कि मेरी मासी रहती है, थैंक यू मौसी, ये मुझे बहुत पसंद है, ये मेरे को गोकुल से मिली है, और मेरी गोकुल में मौसी रहती है, उन्होंने दी थी। तो पिंक कलर मैंने बोला ना, इतना ज्यादा हो गया है मेरे पास, इतना ज्यादा हो गया है, और मैंने एक भी चीज ऐसी, वैसे मेरे पास जितनी भी साड़ियां हैं ना, उनमें से मैंने एक दो ही है जो खरीदी है, बाकी सब मुझे मिली है, और मुझे इतना शौक है ना बनवाने का, जो भी साड़ी मिलती है, जैसी भी साड़ी मिलती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो हल्की हो, चाहे भारी हो, चाहे वो लाइट वेट हो, चाहे वो कलर कोई भी हो, मैं बनवा लेती तुरंत तुरंत, क्योंकि मेरे को, मैं खरीदारी में उतनी साड़ियों में एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मुझे इतना पसंद भी नहीं आता है, और मैं चूज भी नहीं कर पाती हूँ ढंग से, तो मुझे जो मिलती जाती है ना, मैं बनवाती जाती हूँ। तो ये उन्हीं में से एक है, एक ये ग्रीन कलर की साड़ी है, देखो ये भी एक साड़ी है, ये मैंने कोलकाता से ली थी, और ये पड़ी थी हम लोगों को उस टाइम पे पड़ी थी 1300 लगभग की, और ये इतना रॉयल लुक देती है ना, इसके अंदर का देखो मैं दिखा देती हूँ, ये कलर का है, लाइट कलर है ये, और इसका पल्लू है ये, इस कलर का है, देखो ये पल्लू है, और ये है इसका लाइट कलर अंदर वाला, और इसके अंदर से एक और मैं दिखाती हूँ, जैसे इसके अंदर फ्रिल टाइप, देखो ये फ्रिल वाला लगा है, तो पल्ला बहुत अच्छा लगता है, इसको भी मैंने हरतालिका तीज पे नया लिया था, तो ये मैंने पहना था, तो ये वाली साड़ी मैंने एक ली है, और एक वो वाली जो मैंने आपको ग्रीन दिखाई थी वो साड़ी मैंने ली है। तो ग्रीन ग्रीन ग्रीन, हरियाली तीज हो, हरतालिका तीज हो, हरी हरी साड़ियाँ, मेरे पास हरी हरी साड़ियों का भी कलेक्शन है, और गुलाबी साड़ियों का भी बहुत कलेक्शन है। देखिए एक ये साड़ी है मेरे पास, और ये बहुत हल्की है, बहुत अच्छी है, और सुंदर भी इतनी लगती है ना, इस बार मैं गई थी तो वो कोलकाता में ना, इसके ब्लाउज में आने से पहले दो तीन जगह, मतलब दो तीन साड़ियां नई थी, जो कि जिनमें से ये है एक,
जो यहाँ पे आने के बाद मैंने पहनी है। सबके जितने भी मैंने जो लुक है सबके फोटोज में लगा दूंगी, आप देखिएगा। और ये वाली मैंने पहनी थी, इतनी सुंदर लगती है, इतनी हल्की लगती है। और ये मेरी बहुत ही प्यारी एक दादी जी है, उन्होंने दी थी और मेरे को बहुत अच्छा लगता है ऐसे कलर ना, बिल्कुल लाइट कलर जिसमें एकदम मिनिमल सा मेकअप हो, मिनिमल ज्वेलरी पहनो और बहुत एकदम अच्छा लुक आता है। ये वो साड़ी है और इसका भी पल्लू, मतलब इसमें भी अंदर ऐसे ही सेम सारा पल्ला है। और ये भी ये देखो वैसा ही एकदम इसका पल्ला इस तरीके का है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, मेरी माता श्री ने मुझे एक साड़ी भिजवाई थी जो कि स्वदी के नामकरण पे थी, तो वो तो हमेशा से स्वदी 6 महीने की हुई थी, बनारस में उसका नामकरण हुआ था, तो उसी से रिलेटेड देखो मैं बताती हूँ आपको। ये भी एक साड़ी, ये वाली एक साड़ी, मैंने कहा ना मेरे पास पिंक कलेक्शन ग्रीन कलेक्शन ही अभी यहाँ पे रिसेंटली भी मिलेगा, क्योंकि मैं वही पिक करके लेकर आई है जो थोड़ी हल्की है, और उसी में ही वो सारा कलेक्शन मेरा मिल गया है जिसमें पिंक ही पिंक है या हरा ही हरा है। ये देखो एक ये साड़ी है जो कि मैंने अपने भाई की कुआ पूजन हुआ था हम लोग के में शादी, जिन्होंने मेरे भाई की शादी के व्लॉग्स नहीं देखे जाके चेक कर सकते हैं। और अभी मैं आपको बोल रही हूँ जो लोग ने यहाँ तक वीडियो देख ली है प्लीज पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद आगे वीडियो चेक कीजिएगा क्योंकि आप लोग भी भूल जाते हैं, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप लोग वीडियोज देख लेते हैं बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। और पुराने जितने भी मेरे भाई की शादी के व्लॉग्स हैं वो जाके चेक करिएगा, बहुत मजेदार व्लॉग है। और ये देखिए ये एक साड़ी है जो कि मुझे बहुत पसंद है, मेरी माता श्री ने भिजवाई थी बनारस और स्वदी के नामकरण पे, और ये अंदर से ना एक्चुअली ऑरेंज है और इसका पल्ला जो है वो देखो पिंक है, तो ये वाला कलेक्शन मुझे बहुत पसंद है। मतलब इस तरीके की साड़ी, ये जॉर्जेट में है, हैवी पल्ला रहता है और इसका ब्लाउज भी काफी अच्छा है। मेरी माता श्री बहुत अच्छी वाली सिलाई करती है तो जनरली ऐसे होता है कि मैं ब्लाउज वगैरह अपनी मम्मा से ही सिलवा लेती हूँ, और जिस तरीके का भी डिजाइन बोलो इतना मस्त बना के देती है, फिटिंग भी इतनी जबरदस्त आती है ना, शोल्डर ले लो, बैक ले लो, जितना डीप कराना है जैसे, तो थैंक यू मम्मा फॉर दिस। सारा क्रेडिट जो है ना साड़ियों के ब्लाउज का, ब्लाउज हो गया, पेटीकोट हो गया, फॉल वगैरह तो खैर मैं भी लगा लेती हूँ, लेकिन अब तो लगाना ही पड़ता है मम्मी से इतना दूर है, तो नहीं तो पहले जितना भी सूट मेरे हैं जितने सिले हुए सब मेरी मम्मी ने ही सिले हैं। और एक से एक बड़े डिजाइन, चाहे वो यहाँ हाथों से डिजाइन निकलवाना हो, चाहे वो कमर से निकलवाना हो, बैक का करवाना हो, बहुत जबरदस्त मेरी माता श्री ना इतने अच्छे कपड़े सिलती हैं, तो जितने भी ब्लाउज है ना वो सब मेरी मम्मी ने सिले हैं, तो मैं एक दिन किसी दिन अपना ब्लाउज का कलेक्शन भी आप लोग को दिखाऊंगी। बट ये देखो, ये देखो ये साड़ी बहुत ही प्यारी लगती है। उसके बाद मैं आपको कुछ ऐसी साड़ियां दिखाऊंगी जो कि मैं इस बार नहीं लेकर आई हूं, और जो अभी मेरे भाई की शादी हुई थी तो उसने, मेरी जो भाभी हैं उसने मुझे दी थी, बहुत प्यार से साड़ी दी थी, तो वो इतनी अच्छी है, वो मैंने कलर, मेरे पास कलर भी नहीं था और लग के भी, मतलब पहन के भी वो सुंदर लगेगी किसी ना किसी ओकेजन में, तो मैं पहन ही लूंगी, मैं आपको वो दिखाती हूँ। बट उससे पहले मैं आपको एक और साड़ी दिखाती हूँ जो कि आप लोगों ने शायद मेरे इंस्टाग्राम रील में देखी होगी, ये वाली साड़ी, और ये गई साड़ी, ये देखो, ये मैं अभी जब स्नो हुई थी, तो जिसने मेरी रील नहीं देखी है या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है जाके फॉलो कर सकते हैं और वहां पे रील मेरी एंजॉय कर सकते हैं, ला 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 एकदम बॉलीवुड वाली फील थी सच बताऊं तो। साड़ी वाले ना रील बनाऊंगी तो बॉलीवुड का गाना लगा के, मैंने उसमें एकदम ऐसे ही ठंड के टाइम -4 या 7, 4 या 5 माइनस में टेम्परेचर था उसमें मैंने रील रिकॉर्ड करी है। और अंदर से ना ये ब्लू है साड़ी, अभी तो इसका पल्ला एकदम कवर है, मैं देखो अंदर से ब्लू है, आप लोग मैं फोटो डालूंगी जरूर से देखिएगा। और बहुत ही प्यारी साड़ी है ये भी ना, मुझे मतलब शादी के टाइम की ही है, मुझे एकदम याद नहीं है, बट हाँ ये भी मैंने खरीदी नहीं है, ये भी मुझे गिफ्ट में मिली। उसके बाद आती है ये साड़ी, ये भी मुझे मिली है गिफ्ट में, मेरी एक मौसी है उन्होंने ही दी है, और ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है और इसको मैंने अभी तक नहीं पहना है, तो सोच रही हूँ कल गणगौर के लिए ये ज्यादा अच्छी लगेगी, आप लोग बताइएगा कैसी लगेगी मेरे पे। एकदम देखो कितना ट्रांजी है, एकदम बहुत ज्यादा हल्की है, एकदम हल्की साड़ी है और बहुत ही अच्छा कलर है इसका, ऑरेंज कलर की साड़ी है, कुछ तो डिफरेंट आया। सबसे ज्यादा मेरा दिमाग में यही था कि चलो कुछ ऐसा पिक करते हैं साड़ी का कलेक्शन में, इसीलिए मैं ये वाली साड़ी हल्की सी लेकर आ गई थी, इसका वेट भी नहीं था और कनाडा आते वक्त ना मुझे दिक्कत भी नहीं हुई, इसीलिए मैं कुछ कुछ भारी भारी साड़ियां भी लेके आ पाई। ज्यादा सारी भारी रख लेती ना उसी से वेट बढ़ जाता, और यहाँ पे उतनी भारी भारी साड़ी पहन के भी कहाँ ही जाना है क्या करना है, इस वजह से मैं हल्की हल्की कैरी करके लेकर आई। ये कैसी लगी आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताना। और ये देखिए ये है साड़ी वो जो कि मेरी भाभी ने मुझे दी है, और ये बहुत ही सुंदर कलर है, इस कलर की ना डार्क ग्रीन कलर की मेरे पास कोई साड़ी नहीं थी, तो इसके अंदर भी इसका मतलब वो जो कहते हैं ना इसके अंदर वो लगा होता है कागज वागज, वो भी नहीं हटाया, मैंने डायरेक्ट अभी पॉलिथिन में लाके इसको पैक करके रख दिया था, मैंने कहा किसी
ऐसे ओकेजन में पहनूंगी जिसमें साड़ी पहनना रहता है, तीज वगैरह में कोरा कपड़ा जिसमें पहना जाता है, चाहे वो मेरे यहाँ करवा चौथ हो गया या फिर वो जो हरतालिका तीज का पूजन होता है पूरा निर्जल फास्ट रहता है जिसमें, तो उनमें पहना जाता है नए बिछुए, नई कोरी साड़ी, कोरा मतलब श्रृंगार, तो मैं सोच रही हूँ उसमें ही पहनूंगी। कैसी लग रही है प्लीज मुझे बताना। और इसके साथ साथ एक येलो है जो कि बहुत ही ज्यादा शुभ कलर होता है और मुझे भी पसंद है, मेरे पास उस तरीके का येलो कलर का साड़ी नहीं थी तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। इसके अंदर की भी पॉलिथिन नहीं निकली है, ये देखिए ये है वो साड़ी। और ये कैसी लग रही है मैं लगा के दिखाती हूँ। ये देखो कनाडा में इतनी साड़ियां होना, इतना साड़ी का कलेक्शन होना, जिसके पास है और जो लोग इंडिया से कैरी करके लेकर आए हैं प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग के पास कितना कितना कलेक्शन आप लोग लेकर आए हो। आप लोग के कमेंट आते हैं ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि आप लोग मुझसे ही कनेक्ट कर पा रहे हो और मेरे से बात कर रहे हो। एक साड़ी है जो कि मैंने अभी तक, इसका ब्लाउज मैं सोच रही हूँ कुछ गोल्डन टच में मिक्स करके पहन लूंगी क्योंकि इन दोनों साड़ी के तो ब्लाउज भी नहीं है मेरे पास, तो मैं यही सोच रही थी। ये है एकदम ऐसी साड़ी, लेकिन मेरे पास इस तरीके की मिलेगी जो मिक्स मिलेगी, मिक्स ऑफ सिल्क, मिक्स ऑफ बनारसी साड़ी, तो ये भी उसी तरीके का टच है जिसमें पहनने के बाद बहुत अच्छा लुक आने वाला है। और अगर मैं ये होता तो जरूर से पक्का अपने कोलकाता में सरस्वती पूजा में यूज करती। वैसे भी मेरे पास 3 से 4 ऐसी येलो कलर की साड़ियां हैं जो हमेशा मैं वसंत पंचमी या सरस्वती पूजा होती है सोसाइटी में उसमें पहनती हूँ, तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। दुर्गा पूजा के टाइम तो पूरी जितनी भी साड़ियों का कलेक्शन है ना सबका निकल आता है, सुबह और शाम पूजा होती है, प्रोग्राम होते हैं, कल्चर प्रोग्राम होते हैं, तो मुझे दिमाग में वही सब एकदम याद आ जाता है। तो अभी मैंने इनको सेट कर दिया है, हैंगर पे भी तरीके से लगा के अरेंज कर दिया है और मैं अलमारी में क्लीन करके सेट करके रखने जा रही हूँ। और शाम का भी बज रहा है यहाँ पर 7:30, खाना वाना भी बनाऊंगी और आज की जिम भी अच्छे से हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको ही मेरा फ्री कलेक्शन पसंद आया होगा जो कि सच में फ्री है मेरे लिए, तो क्योंकि ये सबके बहुत सारे प्यार और बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारे गिफ्ट उसका कलेक्शन है जो मैं लेकर आई हूँ कनाडा। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। मैं मिलूंगी कल नई वीडियो के साथ, टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल स्वदेश वर्ल्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।